रहते हुआ के जो तुम पास मेरे थम जाए पल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, इट्स का प्रोडक्शन। एंड इस वीडियो के एपिसोड में अभी जो आपने प्रीव्यू देखा उस टाइप का स्टेटस को बनाने वाले हैं जिसमें कि हमारे डुअल फोटोज हैं, ठीक है, एंड लिरिक्स है। सो इस वीडियो को हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा डुअल फोटो प्लस में लिरिक्स वीडियो ट्यूटोरियल है। एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और सारे स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे क्रिएट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें अपने VN एडिटर को ओपन करना है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ इमेजेस ऐड करना है। इमेजेस के बारे में अपना एक थोड़ा सा ध्यान में अगर ये बातें रखो कि जो भी इमेज आप यूज करो उसका बैकग्राउंड या तो ब्लैक हो, ठीक है, या तो आप जो फोटो यूज करो उसका मीन्स विंटेज इफेक्ट हो उसमें, ठीक है। विंटेज मीन्स क्या है, वो कॉर्नर साइड में ब्लैक वाला इफेक्ट, ठीक है, तो मीन्स आपका वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो मेरे पास तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर वाला कैलेट करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर यहाँ पे मीन्स उसी टाइप का इमेज एक सिलेक्ट करता हूँ। कितना सिलेक्ट करना है, मात्र एक, एंड उसके बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन इसका जो लास्ट में ब्लैक वाला कलर है उसे हमें रिमूव कर देना है, उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है जितना टाइम का हम स्टेटस बनाने वाले हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। इस सबसे पहले आप ये साइज को चेंज कर लेना 9:16, ठीक है। देन उसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर लेने के बाद हमें यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो सेकेंड फोटो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सेकेंड फोटो ऐड करना है इसे भी इस तरीके से, और उसके बाद हमें इसका मार्क्स पे चले जाना है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, हाँ है मार्क्स पे चले जाना है। एंड यहाँ से हमें लीनियर को सिलेक्ट करना है, बट फर्स्ट लीनियर नहीं, सेकेंड लीनियर। सेकेंड लीनियर के मतलब क्या है कि इस पर हमें डबल क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना उससे इसे आप अप डाउन कर सकते हो एंड इसे एडजस्ट कर सकते हो जहाँ भी ये अच्छा लगेगा, तो इसे एडजस्ट कर लेना है। और अगर सारा इमेजेस में एंड में इसे थोड़ा सा क्रॉप आउट कर ले रहा हूँ क्योंकि फेस अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फेस कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा परफेक्ट लग रहा है। देन उसके बाद इस इमेज को भी हमें लास्ट तक लेके चले जाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक वीडियो जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मीन्स इफेक्ट्स है वो, ठीक है, पार्टिकल इफेक्ट्स है। और उस तरीके का मैंने 4-5 लिंक दिया है, तो एक ही लिंक पे क्लिक करोगे आपको 4-5 लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे ऐड कर लेना यहाँ पे एंड इसका जो ब्लेंडिंग होता है ना उसे स्क्रीन पे कर देना है जिससे कि ये रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट आ चुका है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक और इमेज लेके आना है, अगेन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने ही वाला है, तो इस इमेज को भी आप आराम से डाउनलोड कर लेना। और इसका भी जो ब्लेंडिंग होगा उसे भी हमें स्क्रीन कर देना है जिससे कि कुछ इस तरीके का इफेक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना है, ठीक है, लिरिक्स हमें ऐड करना है। तो लिरिक्स ऐड कैसे करेंगे, गूगल में यूट्यूब में सर्च करेंगे, वहाँ से वाइट स्क्रीन लिरिक्स हम उठा लेंगे। या तो आप वाइट स्क्रीन उठा लेना या तो ब्लैक ग्रीन स्क्रीन उठाना, ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर आप व्हाइट वाला ये इमेज रख रहे हो, ठीक है, तो व्हाइट पे ब्लैक स्क्रीन काम नहीं करता है, तो इसलिए आप व्हाइट स्क्रीन उठा लेना या तो ब्लैक स्क्रीन उठा लेना। मैंने पहले से व्हाइट स्क्रीन उठा के रखा हुआ है तो इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे व्हाइट स्क्रीन का लिंक दे दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, अच्छे अच्छे हैं उसमें, ठीक है, तो वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद इसका क्रोमा की में आपको जाना है और ये स्प्लिट है ना उसे 0 कर देना है और इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड ये व्हाइट कलर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्रिएट हो जाएगा और इसे अच्छा तरीके से एडजस्ट कर लेना ताकि अच्छा लगे देखने में। किधर गया, ये वाला है ना, एडजस्ट हो जाने के बाद ही हमारा स्टेटस कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
और इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अभी आपने जो लिरिक्स ऐड किया ना उसका म्यूजिक इसमें नहीं होगा, तो म्यूजिक को यहाँ पे वॉल्यूम से आपको इंक्रीज करने होता है। ठीक है, मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाना बजने लगेगा और गाना बजेगा तो कॉपीराइट क्लेम आएंगे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को इसी तरीके से क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना होता है और यहाँ से हमारा वीडियो बन के रेडी हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।